हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मावा रबड़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में, और जो हमारे घर में सामान अवेलेबल है उसी में बनाएंगे हम। तो आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मावा रबड़ी बनाने के हम ले लेंगे कढ़ाई। और कढ़ाई आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। आप भगोने में बनाना चाहते हो तो भगोने में भी बना सकते हो। फिर ले लेंगे हम दूध। दूध के यहाँ पे मैंने हाफ हाफ के जी के 2 पैकेट लिए हैं। और आप चाहें तो, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, इस दूध को एक उबाल आने तक पकाना है। और याद रखिएगा फ्रेंड, दूध हमें जो है फुल फैट लेना है। उससे जो रबड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप जो आपको पसंद हो वो मिल्क ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे उबाल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, फ्लेम लो कर देनी है और इसको लगातार चलाते रहना है। आप जानते हो, रबड़ी बहुत अच्छी तभी बनेगी जब आप इसको लगातार चलाते रहोगे, ताकि ये जो है तले पे ना लगे। तो इस तरह से हमें रबड़ी बनाते, मतलब हिलाते रहना है और नॉन स्टॉप हिलाते रहना है, ताकि ये लगे ना तले पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने इलायची को अच्छे से कूट के बारीक करके पाउडर जैसा और इसमें डाल दिया है। तो अगर आप इलायची के दाने भी डालते हैं तब भी स्वाद हम ऐसा ही आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम डाल देंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो इलायची घुलने के बाद हम इसमें डालेंगे मावा। मावा मैंने यहाँ पे देखिए आधा कटोरी के आसपास लिया है। तो अगर आप और ज़्यादा इसको थोड़ा सा वो बनाना चाहती है लच्छेदार, तो थोड़ा सा मावा और ऐड कर सकते हैं, बट ये भी इनफ है। तो काफ़ी अच्छी जो है हमारी रबड़ी बनेगी यहाँ पे। तो देखिए, हम इसको चलाते रहेंगे। और मावा अभी क्या है, मैंने फ्रिज में से निकाला है, तो ये थोड़ा डलिया से इसमें बंधी हुई है। तो इसको लगातार हिलाते रहना है, ताकि जो है मावा भी अच्छे से पिघल जाए और तले पर ना लगे। तो मैं देखिए इसको कैसे हिला रही हूँ, और हमें लगातार हिलाते रहना है, क्योंकि अगर इसे छोड़ देंगे हम ऐसे तो ये थोड़ा थोड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो रबड़ी का स्वाद जो है अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इसको लगातार हिलाते रहना है। तो देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल लगातार हिलाते रह रही हूँ, और अब मावा जब पिघलने लगा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने केसर येल्लो कलर लिया है, और इसे मैंने चुटकी भर डाल देना है। तो देखिए, मैंने ढक्कन में निकाल लिया है और ये डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे जो ये क्या है, हमारे जो रबड़ी है मावे की, बहुत अच्छा इसका कलर आ जाएगा और देखने में जो है बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप कलर ऐड मत कीजिए, क्योंकि इससे स्वाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका स्वाद वैसे भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कलर सिर्फ इसीलिए ऐड करते हैं ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए, स्वाद से इसका जो कोई लेना देना नहीं है। और कलर वैसे इसका नेचुरल भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल कलर अच्छा नहीं रहता है, बट मैंने, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसको डाल दिया है। तो आप देख रहे हो दूध जो है कम होने लगा है। तो देखिए, यहाँ पे दूध कम होने लगा है, और मैंने डाला है इसमें शक्कर। शक्कर इसमें मैंने 2 चम्मच डाले थे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आधा किलो, सॉरी 1 किलो दूध लिया था, और इसमें 2 चम्मच जो है मैंने ये डाली है शुगर, बट ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। तो आप कोशिश करिए कि आप 1.5 चम्मच ही डालिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी फिर नहीं पिया जाता है। तो मैं अपना वो बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लगातार हिलाते रहने से बिल्कुल हो गया है, आधा लीटर के बराबर ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद होने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे लगभग हमारी रबड़ी एकदम से रेडी हो गई है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा जो है इसमें उबाल आ चुका है। तो अब हमें गैस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 1 किलो दूध लिया था हमने तो आधा किलो के बराबर रह गया है। और तो अब देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया था, तो फ्रिज में ठंडी कर ली है इसमें, और इसमें से थोड़ी हमने यूज़ कर ली थी और थोड़ी सी मैंने वीडियो के लिए बचा के रखी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक गिलास में निकाल लेंगे। और तो ये गिलास में निकाल लेते हैं हम। और गिलास में निकालने के बाद आप जो भी मनपसंद आपके ड्राई फ्रूट हो उनसे गार्निश कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता से डेकोरेट किया है, तो आप अपने मनपसंद के जो है ले सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट। और आप चाहे तो पकाते टाइम जब हमने कलर्स डाला था तब उसके आसपास भी आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं।
तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।